तो यार देखो, इस चैनल पे ये इस टॉपिक पे सेकंड वीडियो होने वाली है, बिकॉज इससे पहले मैं एक वीडियो और बना चुका हूँ इस टॉपिक पे। एंड गाइस, उस वीडियो में मोस्टली जो कमेंट आ रहे थे, आप लोगों को बहुत सारा प्यार मिला उस वीडियो पे। बट उसमें सबसे ज़्यादा मोस्टली कमेंट आ रहे थे, वो क्या आ रहे थे कि भाई हम सबसे ज़्यादा जो आपने एप्लीकेशन पे जिस पे आपने इस चीज़ को यूज़ करना बताया है क्रोमा की को, बट वो एप्लीकेशन हम यूज़ नहीं करते हैं। मोस्टली जो कमेंट आ रहे थे कि भाई क्रोमा की काइन मास्टर के अंदर हम लोग किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, वो भी प्रॉपर इंस्टेंटली विदाउट किसी प्रॉब्लम के, बहुत अच्छे से। तो इस वीडियो में प्रॉपरली बताने वाला हूँ कि आप लोग क्रोमा की का कैन मास्टर के अंदर अपने फ़ोन में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। एंड आप लोगों को बता दूं, जो आप लोग पीछे की साइड आप लोग देख पा रहे होंगे, आई थिंक आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मेरा बैकग्राउंड सेटअप है, बट आप लोगों के लिए बताता हुआ चलूँ। आप देखिए, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए कहने का मैं यही समझाऊंगा इस वीडियो में कि आप लोग किस तरह से इंस्टेंटली अपने वीडियो से बैकग्राउंड को क्रोमा की के जरिए रिमूव कर सकते हो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। एंड ये भी बताऊंगा अच्छे से क्रोमा की यूज़ करने के लिए आपको लाइटिंग की क्या क्या सेटअप की जरूरत पड़ती है, एंड जो मेरे फेस पे ब्लू कलर की जो लाइट पड़ रही है उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है। बिकॉज आप लोगों को इससे ओरिजिनलिटी लग रही होगी मेरे बैकग्राउंड के मैचिंग कलर से, बिकॉज यहाँ पर मैंने इसको अपने फेस पर इसको अटैच कर रखा है लाइट के साथ में, बिकॉज इधर उधर जो लाइटें लगाई रखी हैं। देखिए, क्रोमा की का सबसे मेन फैक्ट होता है क्या है कि आप लोगों के लिए आपका लाइटिंग सेटअप अच्छा होना चाहिए। लाइटिंग सेटअप या तो आप सनसेट में करिए, जाके सनलाइट में अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। अगर आप रूम के अंदर कर रहे हैं तो यार देखो, आपको लाइटिंग सेटअप अच्छा करना पड़ेगा क्रोमा की को अच्छे से रिमूव करने के लिए। तो यार देखो, वीडियो छोटी सी होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। यार देखो, वीडियो को लास्ट तक देखिए, एंड यार चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। तो चलिए फटाफट से अपने फ़ोन की स्क्रीन में लेके चलता हूँ, एंड वहाँ पर आप लोगों के लिए सबसे पहले सारी चीजें लाइव बताता हूं कि किस तरह से आप लोगों को क्रोमा की यूज करना है काइन मास्टर के अंदर। तो चलिए फटाफट से चलते हैं काइन मास्टर में। तो यार देखो, काइन मास्टर को यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको आपके फ़ोन में काइन मास्टर को इंस्टॉल करना पड़ेगा। आप इंस्टॉल नहीं किया है तो प्ले स्टोर पे जाइए एंड उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद में फटाफट से आपको काइन मास्टर को ओपन कर लेना है। तो चलिए फटाफट से मैं ओपन कर लेता हूँ, एंड ओपन करने के बाद में यहाँ पर सिंपली आपको जब ओपन करेंगे तो ओपन है प्रोजेक्ट पर आके एम प्लोस 16:9 रेशियो का आपको प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है। एंड इसको सेलेक्ट करने के बाद में आप लोगों को सबसे पहले बैकग्राउंड चूज़ करना पड़ेगा कि आप अपने बैकग्राउंड में कौन सा बैकग्राउंड लेना चाहते हैं। तो फटाफट से मैंने डाउनलोड किया हुआ है तो मैं उसको एक बैकग्राउंड ले लेता हूं। चलिए मैं इसको ले लेता हूं, एंड यहां पर आपको क्लिक करेंगे, यहां पर बैकग्राउंड को एडजस्टमेंट कर लीजिएगा जैसे आपको सही लगता है। तो सेम बैकग्राउंड मेरा इस वीडियो में भी लगा हुआ है, तो यहां पर मैं इसको यूज़ कर लेता हूं। एंड यहां पर इसको यूज़ करने के बाद इसकी थोड़ी सी मैं लेंथ बढ़ा देता हूं अपने अकॉर्डिंग, एंड इसको मैं टिक मार के ठीक कर देता हूं। एंड इसके बाद मैं लेयर पे आ जाता हूं, एंड लेयर पे आने के बाद आपको मीडिया में जाना है। मीडिया में आने के बाद यहां पर आपकी जो भी वीडियोस आप लोगों ने अपने बैकग्राउंड में लगा रखी हैं तो वहां पर आपको इसको सेलेक्ट करा लेना है। तो फटाफट से मैंने वीडियो को सेलेक्ट करा लिया। यहां पर आने के बाद अगर वीडियो आपकी लेंथ ज़्यादा लग रही है, आपकी वीडियो की जो आपकी हाइट है या फिर लेंथ है वो ज़्यादा, तो उसको लिए थोड़ी सी आप क्रॉप कर सकते हैं। तो क्रॉपिंग पर आइए, एंड यहाँ पर आप सिंपल इसको क्रॉप कर सकते हैं। तो फटाफट से मैं इसको क्रॉप कर लेता हूं। क्रॉप करने के बाद यहां पर सिंपल आपको क्रोमा की पे जाना है। क्रोमा की पे आने के बाद सबसे इसको इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद यहां पर ऑटोमेटिकली ये बैकग्राउंड का जो कलर है वो डिटेक्ट कर लेता है। नहीं भी कर रहा है तो यहाँ पर आप की कलर पे जाइए, एंड यहाँ पर जो भी आपका बैकग्राउंड का कलर है सेम मैचिंग का तो वो आप लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अपने बैकग्राउंड का कलर खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसने खुद ले लिया, एंड इसके बाद यहाँ पर आप लोग इसको सेम इसकी तरह से कुछ एडजस्टमेंट कर सकते हैं जो भी आपको ठीक लगता है। तो इसको 100 मास्क पर अगर टिक नहीं लगा होता तो 100 मास्क पर क्लिक कर दीजिएगा, तो जो भी पर्सन आपको वाइट हो जाएगा, बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक में दिखने लगेगा, एंड उससे आप लोगों को बैकग्राउंड हटाने में थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। तो देखिए, फटाफट से इसको अपने के अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट कर लेना है जहाँ पे भी आपको ठीक लगता है, एंड थोड़ा सा इसको मैं बढ़ा देता हूँ। चलिए ठीक है, एंड यहाँ पर आपको डिटेल एंड कर्व में आना है। डिटेल एंड कर्व में आने का सबसे प्लस पॉइंट क्या होता है, यहाँ पर बैकग्राउंड को बिल्कुल बारीकी तरीके से ये लोग ये रिमूव कर देता है। तो इसको मैं अच्छे से रिमूव कर देता हूँ, एंड यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको बढ़ा देता हूँ, ठीक है, एंड यहाँ पर मैं इसको टिक कर देता हूँ। टिक करने के बाद इसकी आपको लेंथ थोड़ी सी बढ़ा लेनी है। तो मैं इसको अभी आप लोग देखेंगे तो ये बैकग्राउंड मेरा ठीक से लग चुका है, एंड यहाँ पर अब आप अपने अकॉर्डिंग अगर आपको लगता है कि आपको बैकग्राउंड थोड़ा सा और भी सही करना है तो आप लोग ठीक से कर सकते हैं। लेकिन अभी मैंने ये जो किया है वो आई थिंक ठीक हो चुका है, परफेक्टली बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। बट आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप लोग जब भी बैकग्राउंड को यूज़ कर रहे हैं, क्रोमा की का यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपकी लाइटिंग का सेटअप होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी लाइटिंग सेटअप नहीं है, पीछे की साइड में शैडो आ रहा है, तो शैडो में क्या होता है कि शैडो जो आती है वो वहाँ पर बैकग्राउंड ठीक से रिमूव नहीं हो पाता है, एंड वहाँ पर
आप लोग क्रोमा की का जो बैकग्राउंड है थोड़ा थोड़ा आपको दिखने को हर वीडियो में देखने को मिल जाता है। तो आपको यह चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है कि आपको जब भी आप बैकग्राउंड में क्रोमा की यूज़ कर रहे हैं तो आपको लाइटिंग का सेटअप अच्छे से करना है। लाइटिंग सेटअप अच्छे से नहीं तो सनलाइट में आप यूज़ कर सकते हैं, सनलाइट में बैकग्राउंड बहुत अच्छे से रिमूव हो सकता है अगर आप लोग उसका करना चाहते हैं। एंड गाइस इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों का कोई डाउट रह जाता है, कमेंट रह जाता है तो आप लोग ज़रूर मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या फिर आपको इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सिंपल आप लोग मेरे को वहाँ पर पर्सनली मेरे से चैट कर सकते हैं। तो बस वीडियो में इतना ही, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। एंड गाइस मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।